तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख पा रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है, जो मेरे दोस्त की बाइक है। और उनका फ़ोन आया शाम को ही कि गाड़ी मेरी चलते चलते बंद हो गई और उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही है। उन्होंने कई बार किक लगा के देख ली पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। जब मैंने उनको बताया कि आप मेरे पास ले आएँ तो चेक करेंगे गाड़ी को क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, लाने के बाद हमने इसको चेक किया और पता चला कि गाड़ी के अंदर जो स्पार्क प्लग, इसके अंदर करंट है ही नहीं। तो ये करंट क्यों नहीं है, इसका रीज़न हम आपको बताएंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आप तुरंत कैसे पता कर सकते हैं गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है क्या। अगर करंट से रिलेटेड आती है कोई भी गाड़ी तो तुरंत आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, एक मल्टीमीटर ले लेना है, उसके बाद चेक करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको करंट और दिखा देता हूँ, एक बार गाड़ी में करंट है या नहीं है। इग्निशन ऑन कर लिया है, देख सकते हैं न्यूट्रल लाइट आ गई है। और इसके बाद आपको स्पार्क प्लग की लीड देखनी है। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कैमरे को, मिलेगी ठीक है। इसके बाद मैं आपको किक लगा के दिखाता हूँ। सो दोस्तों, आपने देख लिया गाड़ी के अंदर करंट नहीं है। तो चलिए प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। अब दोस्तों, मुझे कभी भी गाड़ी के अंदर तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। इसकी जो CDI कॉइल होती है, यहीं से चेक करता हूँ क्या गाड़ी के अंदर सारे जो इनपुट सप्लाई होनी चाहिए, क्या वो सारी चालू है। और आउटपुट जहाँ जहाँ पर जानी चाहिए कि आउटपुट सप्लाई बिल्कुल सही है। तो इससे क्या होता है कि हमें तुरंत पता लग जाता है गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यानी करंट क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, तुरंत हमें पता लग जाता है। तो सबसे पहले हम CDI से ही चेक करेंगे। तो दोनों इसको पहले अलग कर लेना है कपलर को, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कपलर हमने अलग कर लिए हैं। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं, दो चार तार का सॉकेट है और एक दो तार का सॉकेट है। तो इसको तो अलग कर देना है, जो दो वायर का सॉकेट है, क्योंकि ये वाला जो कपलर है ये हमारे TPS सेंसर से आता है। तो स्टार्टिंग के अंदर ये कोई रोल अदा नहीं करता है, तो इसको हम अलग कर देंगे। और जो चार वायर देख रहे हैं ये मेन रोल करते हैं गाड़ी स्टार्ट करे, जो करंट होता है, करंट आएगा या नहीं आएगा वो इन चार वायर पे डिपेंड होता है। तो हम इन चार वायर की सप्लाई चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जो ब्लैक वाले वायर देख रहे हैं आपको इस तरफ, ये वाला और ये ऊपर से ब्लैक वायर दिख रही है, इस वायर में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है, क्योंकि इसकी बैटरी तो चार्ज है, न्यूट्रल लाइट आ रही है तो इसका मतलब बैटरी तो चार्ज है। तो क्या इसमें 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसको हमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट कर लेना है और इसकी वोल्टेज चेक करने के लिए इसमें आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो दो प्रोब है, एक तो लगाएंगे ब्लैक में, ये जो ब्लैक वायर में लगा देंगे एक, तो और दूसरी लगाएंगे हम बॉडी अर्थ में। आप कभी भी टच कर सकते हैं इसको, ग्राउंड चाहिए। दोस्तों आपको एक बार चाबी ऑन कर लेनी है, हमने चाबी ऑन नहीं की थी, ये देखिए चाबी ऑन करती है। ये आप चाबी ऑन करते ही गाड़ी के अंदर 12 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी 12.38 के आसपास आ रहे हैं, 35-36, यानी बैटरी हमारी फुल चार्ज है, सप्लाई चालू है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो हम अब चेक करेंगे अगली वायर को। अगली वायर क्या है हमारी, ग्रीन वाली, इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो इसको हम चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पर सेट करेंगे। ये देखिए बीप पर सेट कर दिया है, तो हमें यार कि बीप की आवाज़ आनी चाहिए, कि हम जैसे ही एक वायर इसमें लगाएंगे और एक दूसरी वायर जो बॉडी पर टच करेंगे तो इसके अंदर एक बीप की आवाज़ आनी चाहिए, समय पता चलेगा कि इसके अंदर ग्राउंड चालू है या नहीं है। तो हम लगाएंगे एक वायर को, सुन पा रहे हैं दोस्तों आप, पीप की आवाज़ आई है, इस समय पता लग जाता है इसके अंदर ग्राउंड है, यानी इसमें भी सप्लाई चालू है, दो वायर में सप्लाई चालू है। और तीसरी वाली ये वाली लेंगे जो ब्लू पे येलो लाइन है, ये हमारे सीधे पिकअप कॉइल से आती है, जो हमारा अल्टरनेटर जो मैग्नेटिक पास लगी होती है, पल्सिंग कॉइल बोल देते हैं इसको, और CKP सेंसर भी बोल देते हैं ये, तो और पिकअप कॉइल बोलते हैं। तो इसमें चेक करेंगे, इसमें रीडिंग चेक करने के लिए आप बी पे चेक करेंगे इसको, आप इसको ओम में चेक करेंगे। तो एक प्रोब लगाएंगे इसमें और दूसरे लगाएंगे बॉडी अर्थ में, और इसके अंदर रीडिंग आनी चाहिए 250 के आसपास आनी चाहिए। देखिए दोस्तों 260 है, यानी बिल्कुल सही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इंजन गर्म होगा या ठंडा होगा, तो उससे क्या होगा रीडिंग फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, यानी ऊपर नीचे रीडिंग हो सकती है, तो बिल्कुल सही है ये वाली भी। तो अब एक वायर और रह गया है ये वाला, ये दोस्तों इनपुट नहीं, ये आउटपुट सप्लाई निकलती है इससे बाहर, तो ये इससे बाहर निकल रही है। इसको कैसे चेक करेंगे, इस CDI कॉइल को वापस लगा देना है इसमें और फिर चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने CDI कॉइल वापस लगा दी है और हमें सप्लाई जो ये वाले वायर चेक देख रहे हैं, ब्लैक पे येलो लाइन,
इसमें सप्लाई चेक करने के लिए हमें एक तार का टुकड़ा लेना है और सीधे एस टी कॉइल के पास जाता है ये वाला वायर, तो वहाँ पर हमें चलना है, वहाँ चेक करेंगे। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एस टी कॉइल लगी हुई है और इसमें आपको ये वायर देखने को मिलेगी जिसमें ब्लैक पे येलो लाइन है जो सीधे सी डी आई कॉइल से आउटपुट सप्लाई बाहर निकालती है जो सीधे एस टी कॉइल के पास आती है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पर करंट आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटाने के बाद एक वायर के टुकड़े की मदद से इसमें इस वायर को इसमें लगा लेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। एक देख सकते हैं लगा लिया है, और जो दूसरी वायर है इसको हम बॉडी पर टच करेंगे और साथ हमें किक लगाएंगे, उससे ही हमें पता लग जाएगा क्या इसमें स्पार्किंग होती है। तो ऐसे ऐसे चेक करनी है और इग्निशन ऑन कर लेना है गाड़ी का, चाबी ऑन कर ली है, इसके बाद किक लगाएंगे और चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें स्पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा जंग लगा हुआ है, थोड़ा आगे चेक करते हैं इस वाले टर्मिनल पर, सॉरी एन बोल्ट पर। दोस्तों ज़रा सा भी स्पार्क देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी सी डी आई कॉइल ख़राब हो चुकी है। कंफर्म कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे, कंफर्म करने के लिए क्या करना है। सो दोस्तों सी डी आई कॉइल कंफर्म करने के लिए ख़राब है या नहीं कॉइल ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तार का टुकड़ा है वो इसमें लगाएंगे, कपलर बाहर निकालने के बाद जो ब्लैक पे येलो लाइन है इसमें तार को डाल देंगे, इसे बिल्कुल पतला सा डालना है ताकि आसानी से कपलर लग जाए, ज़्यादा मोटा डालेंगे तो इसमें लगेगा नहीं, जो वायर की ज़्यादा मोटी ये तार हो जाएगी तो इसमें लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसे लगाने के बाद इस कपलर को वापस लगा देना है सी डी आई में। दोस्तों पूरा कपलर बैठ गया है, क्योंकि बैठ नहीं रहा था तो मैं थोड़ा सा टाइट दबाया इसको। तो अब इसका करंट चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम क्या करना है, ये जो वायर हमने लगाई अलग से ये वाली, तो इसको स्पार्किंग के लिए यहाँ पर चेक करेंगे बॉडी अर्थ के पास, और इग्निशन ऑन रखना है क्योंकि मैंने ऑन किया हुआ है। ऑन करने के बाद इसमें चिंगारी उठनी चाहिए, अगर नहीं उठती है तो इसका मतलब इसका सी डी कॉइल ख़राब है। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे गाड़ी प्रॉपर तरीके से स्पार्किंग कर रही है, अगर यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल चालू है इस वाले वायर से बाहर निकल रही है, सॉरी इस वाले वायर से जो ब्लैक पर येलो लाइन यहाँ से सप्लाई निकल रही है, पर वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है आगे एस टी कॉइल के पास, यहाँ पर इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है एक बार। तो दोस्तों हमें चेक करना है क्या ये वायर बीच में से कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने वायर यहाँ पर थोड़ी सी हटा करके देखी है ये इस तरफ, ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ वायर मेरे को ऐसी ही नज़र आ रही है, और ये पाइप हटा देता हूँ एयर पाइप, तो ये देखिए ये वायर, ये देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर वायरिंग कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है खुली हुई लूज सी, तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या कोई वायर यहाँ से टूटा हुआ नहीं, ये देखिए और देख पा रहे हैं सारी वायर यहाँ पर खुली हुई है। तो ये जो ब्लैक पे येलो लाइन है, तो ये देखते हैं कौन सा वायर है, उसको एक बार खींच के देखते हैं। दोस्तों गाड़ी में करंट आ चुका है, मैं आपको चेक कराता हूँ फिर। देखो दोस्तों आपने गाड़ी के अंदर प्रॉपर तरीके से करंट आ रहा है, और आप सोच रहे होंगे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम असल में थी क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने इसको चेक किया यहाँ से वायर, तो ये वाली वायर मैंने पकड़ के खींची अच्छी तरह, तो ये वायर बाहर नहीं आई। अगर वायर कहीं से टूटी हुई होती तो ये वायर बाहर खींच जाती और बाहर निकल आती, तो वायर मैंने काफ़ी टाइट खींच के देखी, तो वायर बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही थी, सी डी आई के पास भी जुड़ी हुई है और हमारे एस टी कॉइल के पास भी बिल्कुल सही है। तो फिर भी दोस्तों करंट इसमें नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया कि गाड़ी की जो पिन जो मैंने हटाई हुई थी वापस लगा दी, और मैंने एक बार चेक किया करंट ऑटोमेटिकली आ गया, तो मैं भी एक बार कन्फ्यूज़ हो गया कि करंट इसमें आया कैसे, जबकि गाड़ी के अंदर पहले तो नहीं आ रहा था, उसके बाद अपना भी करंट आ गया। तो मैंने दोस्तों इसका सॉकेट जो बाहर निकाला, इसके अंदर मेरे को बाहर निकल दिखाता हूँ एक बार, एक इसके अंदर प्रॉब्लम थी, देखिए दोस्तों सॉकेट अलग कर लिया है और प्रॉब्लम इसमें थी क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो पिन देख रहे हैं आप, ये वाली पिन में आपको देखने मिलेगा कार्बन, आपको देखने मिलेगा जो जमा हुआ वाइट वाइट, ये शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए देख रहे हैं, और सी डी आई अंदर से भी आपको देखने मिलेगी, ये देखिए अंदर वाइट वाइट क्या जमा हुआ है,
ये देखिए, ये सारा कार्बन फंगस है जिसके कारण ये अर्थ या सॉरी है करंट इसके प्रपत्र के नहीं मिल रहा होगा सीडीआई वाले को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। क्योंकि जैसे इसको थोड़ा बहुत हिलाया और बार बार सीडीआई वाले को ओपन किया बाहर किया सॉकेट को, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सही हो गई। क्योंकि ये जैसे पिन थोड़ा सा कार्बन हट गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसका मतलब कार्बन के कारण था। तो इसको साफ करके लगा देंगे और प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको कुछ सीखने लायक मिला होगा वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।